हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक सिंह लक्स। कल मैंने एक थर्मल पावर प्लांट के एक प्लांट पे डिस्कस किया था, और उसका एक अपशिष्ट था राइस हस्क ऐश, जैसा आप देख रहे हैं राइस हस्क ऐश। और आज संडे है, छात्रों के लिए कुछ होना चाहिए, यही सोच के मैं अपने बात को रख रहा हूँ। धान को वैसे पैडी कहते हैं, हिंदी के भी छात्र थोड़ा सा जाने। और थर्मल मतलब तापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा राइस हस्क ऐश की 3200 किलो कैलोरी पर केजी होती है। और अगर आप ध्यान से देखें तो 1 केजी कोल की भी लगभग 4200 किलो कैलोरी पर केजी होती है। तो इसका मतलब अगर 1.15 राइस हस्क है तो ये लगभग 1 केजी कोल के थर्मल तापीय ऊर्जा, जिसे आप कहें थर्मल एनर्जी, के बराबर है। इससे हम बायोमास थर्मल पावर प्लांट बना सकते हैं। तो गाजीपुर में अगर 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर आप ध्यान दें, अब मैं इसलिए इसको लिख रहा हूँ कि कहने से हो सकता है ना समझ में आए, रिटर्न है तो ये चीज़ आप देख भी सकते हैं कि गाजीपुर में करीब 5 लाख हेक्टेयर पे ये खेती धान की होती है, पैडी की। और इससे हम जो है 3200 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त करते हैं, और इस एनर्जी को अगर हम कन्वर्ट कर दें उसमें इलेक्ट्रिसिटी में, जैसा कि यहाँ हो रहा है, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। और हर ज़िले में अगर हो जाए तो और ही अच्छी बात है। मैंने कल भी इस चीज़ को उसमें अपने वीडियो में RHA में करके डाला था, जिसमें समझाना की कोशिश की थी मैंने, लेकिन लंबा खींच गया था वीडियो। और आज मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हर ज़िले में, अगर प्रत्येक ज़िले में 5 मेगावाट का ही थर्मल पावर प्लांट लगे तो इंजीनियरिंग कॉलेज को भी, और आप ध्यान से देखें तो सरकार को भी, कूड़ा कचरा जो ये आजकल अभियान चले हुए हैं गांव से, तो ये गांव के में करीब 70% तो गांव ही हैं, तो ये लोग अपने कूड़े कचरे को भी ले आ देंगे थर्मल में। अगर दे देते हैं थर्मल पावर प्लांट में, हर ज़िले में एक अगर है या 2 ज़िले में एक है, तो इससे उनकी आमदनी भी बढ़ जाएगी, वो देंगे, और ऐश का ऐश भी कम होगी, जिसको कि R&D डिपार्टमेंट से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन गाजीपुर में लोग गड्ढे ही पाट रहे हैं, और हमको तो जहाँ तक नज़र आ रहा है कि अभी तक इससे कोई ऐसी चीज़ बाज़ार में नहीं दिखी जो कि समझ में आए और हम उसको देख के कहें। और मेरा प्लांट छोड़ने का यही कारण था कि क्योंकि RHA का हल नहीं मुझे मिला, और करीब 2009 से अब तक मैं इस पर काम कर ही रहा हूँ। कई PDF वगैरह भी मैं इंटरनेट से डाउनलोड करके पढ़ा, यूजेस हैं, लेकिन यूज़ करने की एक इंटरेस्ट होना चाहिए, तो यूज़ नहीं है तो फिर वो इस तरह से फेंकने से अपशिष्ट ही है। और कल मैंने अपने वीडियो में इसको आपको बताया था कि इसकी साइज़ वगैरह क्या है, किस तरह से हानिकारक है। तो आज के लिए इतना ही, एक वीडियो मैं और बनाऊंगा इसमें, जो कि आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन सही है, प्रकाश का प्रदूषण, तो वो प्रकाश का प्रदूषण पे मैं जाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को सुनने के लिए, और अगर आपके पास कोई इसका एक बढ़िया हल हो तो ज़रूर बताएं। मेरा मोबाइल नंबर भी, मोबाइल आजकल तो हर जगह है तो सब मिल जाएगा, और 94-15-35-86-29, ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है, जो मैं लिख भी दे रहा हूँ। ऐसा क्योंकि जनपद में ये जनपद प्रभावित है, तो ये मोबाइल नंबर है, अगर आप कुछ बता सकते हैं इसका हल तो ज़रूर बताएं, और अगर आप हल जानते हो तो जाके डायरेक्ट वहाँ से ले लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। मेरा इंटरेस्ट बस इतना था कि इसका हल मिल जाए और लोगों को थोड़ा सा मतलब सुकून मिले। ये राख अपशिष्ट है और इसका समुचित प्रयोग होना चाहिए,
और अगर आप 300 दिन ही इसको चला दें और ये अगर 24 घंटे चल रही है तो कम से कम कुछ 10 टन अगर ये भूसी ले रही है तो 10 टन का मान लीजिए 15% तो राख बनेगी। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और कूड़ा निस्तारण का कुछ उपाय लगा सकते हैं। 9-10 साल से तो ये हो नहीं रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ सरकार को सोचना चाहिए। और मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू वेरी वेरी मच दीपक सिंह लक्स। आप से मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस पर कुछ हल भेजें, सरकार को भेजें। मुझे भेजने की क्या ज़रूरत है, आप सरकार को भेजें, कंपनी को भेजें, और अगर ये हल हो जाए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा उस आदमी का, क्योंकि इसमें वो पैसा भी कमा सकता है और ये कोई ख़राब चीज़ भी है तो अपशिष्ट, लेकिन अपशिष्ट को भी ख़राब को भी अच्छा बनाया जा सकता है। हम लोग तो शिक्षक हैं, ख़राब छात्र है तो उसको भी अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं और बनता है, और कोई चीज़ ख़राब नहीं होती मेरे हिसाब से, और आपको बस प्रयोग करने का उसका तरीका आना चाहिए। अब थोड़ा सा R&D वगैरह अगर खुला होता, R&D डिपार्टमेंट इसका, तो ये 2009 से फेंकी नहीं जाती, इसका लाभ मिलता और ये प्रदूषण मुक्त इंडस्ट्री है तो रहना भी चाहिए, सिर्फ गैस से ना हो प्रैक्टिकल भी हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुनः एक बार। कहना तो बहुत कुछ है 9-10 सालों में, लेकिन चलिए थोड़े में ही कह लिया जाए। अगर आप लोग इसको हल कर सकते हैं तो प्लीज़ सॉल्व इट नंबर है, अगर आप उससे और डिटेल चाहिए तो और डिटेल ले सकते हैं। और ये सिलिकॉन ऑक्साइड है और ऐश बनने पर सिलिकॉन ऑक्साइड 92% इसके अंदर है, ये भी मैं आपको जानकारी दे दे रहा हूँ। और इसमें इंटरनेट पे आप इसको बहुत अच्छे से PDF वगैरह से पढ़ सकते हैं, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, और इसका यूज़ भी आप जान सकते हैं, यूटिलाइजेशन भी जान सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन गाजीपुर में कम से कम नहीं है। थैंक यू वेरी मच।